तो आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। आम का अचार जो है सालों साल खराब नहीं होगा, ये बहुत ही बेस्ट तरीका मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर देखिएगा। इस सीजन में कच्चे आम पके आम बहुत आ रहे हैं, बट थोड़ा सा डर लगा रहता है कोविड के कारण कहीं गला खराब ना हो जाए, लेकिन घबराइएगा नहीं, इस अचार को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाएंगे। तो अचार को क्या करें, सबसे पहले मैंने यहाँ तो आम को कटवा के ले आया है फ्रेंड्स, आप चाहे तो अगर आपके पास घर में कटर हो तो आप उससे काटिएगा। और आम को अच्छे से पहले धो लें, उसके बाद में पोंछ किया है मैंने, और इसकी सारी सीड्स को निकाल लें, और इसमें जो हल्का सा बटर पेपर की तरह जो होता है ना, ये इस तरह का, इसको ज़रूर निकालिएगा, इससे क्या होता है अचार ख़राब होने की संभावना रहती है। तो और जो भी पीसों में कहीं दाग धब्बे दिख रहे हों, हल्के भी कुछ भी, तो उसे ज़रूर साफ़ करिएगा, देखिए इस तरह के। तो मैंने यहाँ पे सभी आम के पीसों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, पहले तो मैंने इसे धोया है, उसके बाद में अच्छे से पोंछ के थोड़ा सा फैन के नीचे रख दिया था, तो मेरी जो पीसेस हैं अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर पहले ऐड कर देंगे। तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से अचार अगर आप बनाते हैं तो आपका अचार जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 2-3 साल तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा, और अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो अचार आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो नमक और हल्दी लगाकर आप अगर आम को रखते हैं तो अचार आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं, सभी पीसों में हल्दी नमक मिल जाना चाहिए, तो इसे अच्छी तरह से मिलाएं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है, और इसे करीब 1 दिन के लिए हम छोड़ देंगे, इसी तरह से रख देंगे ढककर, आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा ढककर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आम को रखते हुए मुझे 1 दिन पूरा हो चुका है, और आम देख सकते हैं कितना हल्का हल्का सा सिकुड़ भी गया है, और पानी देखिएगा कितना छूटा है, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, फिर भी पानी बहुत निकला है आम का, जितना एक्स्ट्रा पानी था आम में वो निकल चुका है। तो अब हमारा जो अचार है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से सभी पीसों को निकाल लेती हूँ, जो इसका पानी निकलेगा इसको हमें फेंक देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, छन्नी में निकाला है, आप चाहे तो कपड़े के ऊपर भी इसे डालकर इस तरह से फैला सकते हैं, और मैं इसे फैन के नीचे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब जो अचार है बिल्कुल ख़राब होना ही नहीं है, आप चाहे तो इसे धूप में थोड़ा सा सुखा सकते हैं, बट हम यहाँ सुखाएंगे नहीं, नहीं तो क्या होगा कि उसका जो खट्टापन है वो ख़त्म हो जाता है, फिर अचार जो है थोड़ा खट्टा ही रहता है, चटपटा तो अच्छा लगता है। तो चलिए इसको मैंने यहाँ पे फैन के नीचे रख दिया है, और तब तक हम यहाँ पे मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेथी डाल देंगे, मेथी दाना मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी, खूब ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने दें, उसके बाद में इन मसालों को डालें। तो मेथी दाना जो है हल्का सा भून चुका है, अब यहाँ पे डालेंगे इसी के साथ जीरा। जीरा की क्वांटिटी फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जीरा कितना डालना है। जीरा मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 4 टेबल स्पून जीरा जो है 1 kg के लिए बहुत है, क्योंकि यहाँ पे सभी मसाले जो हम ऐड करेंगे बहुत हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, बाद में थोड़ा सा सौंफ और डाल देंगे खड़ा, इसलिए हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे। सौंफ, जीरा और जो मेथी दाना है ये अच्छी तरह से भून चुका है, चलिए गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिएगा ये मसालों को ठंडा होने देते हैं, तब तक यहाँ पे जो सरसों दाल मेरे पास रखी हुई है इसको भून लेते हैं। इसकी क्वांटिटी फ्रेंड 7-8 टेबल स्पून करीब मैंने यहाँ पे लिया है, इतनी बहुत ही परफेक्ट मात्रा में लिया है मैंने। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपका अचार बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये जो अचार हम बना रहे हैं बाकी जो आपने यूट्यूब में जितने भी अचार देखे होंगे उससे बहुत ही डिफरेंट रहेगा, और इसका टेस्ट भी आपको बहुत अलग लगेगा। अगर आपने इस तरह से अचार नहीं ट्राई किया है तो एक बार ज़रूर मेरे तरीके से देखिए, बनाकर थोड़ा सा बना के देखिएगा, और फिर मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर जो दाल है ये भी ठंडी हो चुकी है, और जो जीरा वगैरह हमने जो भून के रखा था, दाल को मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ हल्का हल्का सा साथ में। तो इसका आप चाहे तो दरदरा पीसिए या फिर हल्का सा पाउडर आप बनाइएगा चाहिए। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पीस गया है, देखिए यहाँ पे पाउडर जो है हल्का, आप दरदरा ज़रूर रखिएगा इसे, देखिए इस तरह से मैंने घुमा दिया है, बट इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है मसालों की। अब यहाँ पे अचार में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए मैं यहाँ पे लहसुन, अदरक और प्याज ऐड करूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि
अदरक लहसुन प्याज कौन डालता है अचार में, बट हमारे यहाँ पे ये जरूर डालते हैं। इससे जो अचार का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको बार बार कहना चाहूंगी कि एक बार आप मेरे तरीके से जितनी क्वांटिटी में मैंने सभी चीजें डाला है आप एक बार इस तरह से जरूर डाल के देखिएगा। बहुत ही परफेक्ट आपका अचार बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक गार्ड लहसुन की बड़ी वाली ली है, एक प्याज लिया है और छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। देखिए यहाँ पे हमने खूब ज़्यादा नहीं लिया है, 1 किलो आम के हिसाब से लिया है। जैसे अगर आप ज़्यादा आम ले रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी को वही आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लहसुन प्याज अदरक को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पेस्ट जो है रेडी हो चुका है, देखिए इस तरह का पेस्ट बना लेना है। अब चलते हैं गैस के पास में। तो गैस की पर मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है और इसके लिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप जो भी तेल अचार में यूज़ करते हैं उसको ज़रूर डालिएगा, बट जो अचार है ना सरसों तेल का ही बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस पेस्ट को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए, तब तक हम इसे भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें मसाले को तैयार करना है और तेल अच्छा गर्म है तो अभी ये मसाला और थोड़ा सा भून जाएगा। चलिए गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और ये जब ठंडा हो जाए तो इसके बाद में हम यहाँ पे सभी मसाले ऐड करेंगे। और तेल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ठंडा हो गया है तो चलिए यहाँ पे थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। इसके पहले भी जब हमने आम में हल्दी नमक लगा के रखा था उस समय 1 टेबल स्पून ऐड किया था। मिर्ची पाउडर मैंने यहाँ पे 9 टेबल स्पून लिया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं बट जो अचार है थोड़ा चटपटा ही खट्टा अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा मिर्ची पाउडर ज़्यादा ही डाला हुआ है, तो आप कम कर सकते हैं। और ये जो पाउडर हमने पीस के रखा था मेथी जीरा वगैरह जो सरसों है सौंफ इसका पाउडर है इसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मुझसे पाउडर थोड़ा सा चिकना पिस गया है, आप थोड़ा सा दरदरा रखिएगा। नमक यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है और पहले भी हमने आम में 4 टेबल स्पून डाला हुआ था इसलिए इसमें हमने थोड़ा कम ही डाला है। सौंफ 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, थोड़ी खड़ी डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। कलौंजी दाना डाल देंगे 1 टी स्पून और इन मसालों को अच्छी तरह से मिला देते हैं ताकि सभी मसाले इक्वल हो जाए। देखिए इस तरह से मिला दें और अभी हम इस समय पे खूब ज़्यादा तेल ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ही तेल रखेंगे अभी। तो ये जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले, तो ये देखिएगा इस तरह से मिक्स कर लेना है और अचार से खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आने लगी है मसालों की। अभी से अचार में बहुत ही बढ़िया से टेस्ट लाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधी बट्टी गुड़। जी हाँ फ्रेंड्स, गुड़ डालने से जो अचार का टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्ट लगेगा। अगर आपको जैसे थोड़ा मीठा अचार पसंद है तो आप इसमें थोड़ी गुड़ की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा। खट्टा मीठा तीखा जो अचार होता है ना खाने में बहुत ही मजा आता है, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा मीठा नहीं बना रही हूँ, बस हल्का सा मैंने यहाँ पे डाला है ताकि जो बैलेंस हो जाए मिर्च मसाला जो है बहुत बढ़िया होएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही टेस्टी अचार लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये मसालों को आम की पीसों में डाल दिया है। आम की पीसों को हमने फैन के नीचे रखा हुआ था, ज़्यादा देर नहीं, करीब 1 घंटे के लिए रखा था, इससे ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि अचार का जो पानी निकल जाता है तो अचार जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और ये मसाले को हमें अच्छी तरह से मिलाना है, जब तक कि इन पीसों में अच्छे से मसाला अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से हाथों से मिलाइएगा, चम्मच से बिल्कुल ना मिलाइए। और जब ये मसाला मिलाकर हो जाए तो इसे 1 दिन के लिए पूरा इसे ऐसे ही ढक के रख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा ना, जो अचार का जो मसाला है सभी पीसों में अच्छी तरह से चले जाएगा तो इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और जो अचार है वो भी ख़राब नहीं होता है। इसे डायरेक्ट हम बर्नी में नहीं डालेंगे। फिर मसाले मिलने के बाद इसे 1 दिन के लिए रख दीजिएगा। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि जो अचार है हम डाल तो देंगे बर्नी में, पर क्या होगा मसाले जो हैं अच्छे से नहीं मिल पाएंगे, तो हम इस तरह से रखेंगे और अचार को 2 से 3 बार इसे अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो अचार है हमारा 1 दिन पूरा हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें तेल भी छूट चुका है, जो यहाँ पे नमक भी डला है, जो एक्स्ट्रा जो पानी इसमें रहा होगा वो भी निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है और तेल भी बहुत अच्छा छूट चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे बर्नी में डालेंगे, पर बर्नी कैसी लेना चाहिए ये मैं आगे आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। बर्नी जो है पहले अच्छे से 2-3 दिन पहले धो लीजिएगा और धूप अच्छे से दिखाइएगा, उसके बाद ही आप इसमें अचार डालिए। तो चलिए कोई भी बोतल ले सकते हैं, कांच की ले सकते हैं, चीनी मिट्टी की ले सकते हैं, दो तरह से ले सकते हैं बोतल आप कोई भी।
तो इस तरह की आप कांच की बोतल लें तो ज्यादा बेटर है। मार्केट का जो अचार होता है उसमें ऑयल डाला नहीं होता है, उसमें साइट्रिक एसिड और विनेगर डाला जाता है जो कि उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ नहीं किया है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है और इसमें हम ऑयल डालेंगे जिसके कारण अचार जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दे और उसे ठंडा होने दे, उसके बाद में इसमें डालिएगा। तो अचार में तेल कितना रहना चाहिए चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो अचार में तेल कितना होना चाहिए, 1 इंच ऊपर तक रखिएगा, अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अचार डालते समय पर हमें कुछ चीज़ों की सावधानियाँ बरतनी है, जैसे कि अगर आम काट रहे हैं तो उसे सबसे पहले अच्छे से धो लें और फिर उसके बाद में उसे पोंछ लें। उसके बाद में हल्दी नमक लगाकर उसका जो पानी निकलता है उसे फेंक दीजिएगा। और इसमें जो नमक की मात्रा है ये परफेक्ट होना चाहिए, ऑयल अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए, तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी अचार की रेसिपी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए